जय फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। ये वीडियो मैं लखनऊ में बैठ के बना रहा हूँ और पिछले दो दिनों से मैं लखनऊ में हूँ। और कुश्ती जगत का समाचार ये है कि कुश्ती जगत का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और उसमें नए नए एंगल जुड़ते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट ये है कि एडहॉक कमेटी ने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए दोबारा ट्रायल्स रख दी हैं, और जिन बच्चों ने एशियन गेम्स वाली ट्रायल दी थी 22 और 23 जुलाई को, उन्होंने अपील की है और डिफरेंट अथॉरिटीज़ को अपने लेवल पे पत्र लिखे हैं कि सब ये गलत है और इस तरह बार बार ट्रायल लेना और उससे हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए ये ट्रायल में या तो समय दिया जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए, इतनी जल्दी मतलब 10 अगस्त को ट्रायल न ली जाए। खैर, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया एडहॉक कमेटी ने, और इस पे मतलब ये बार बार ट्रायल लेने से या ट्रायल लेने की जो पॉलिसी है इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। और इधर एडहॉक कमेटी जो है वो 10 अगस्त से पहले ही ट्रायल क्यों करा लेना चाहती है, इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि WFI के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस 1 अगस्त से जो है वो नामांकन भरे जाने और फिर उसके बाद 7 अगस्त तक पर्चा वापसी और सब कुछ, 7 अगस्त तक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि चुनाव में क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है। तो बहुत संभव है कि 12 अगस्त तक एक नई फेडरेशन स्थान ले लेगी। अब फेडरेशन के चुनाव को लेके बहुत खींचतान है और इस मामले में जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं जो लोग, उनको भी और तमाम कुश्ती जगत को भी और एक आम दर्शक आम नागरिक को भी बहुत कंफ्यूजन है। बहुत अखबारों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि ना बड़ा कंफ्यूजन फैल गया कि आखिर कुश्ती संघ WFI के चुनाव में आखिर हो क्या रहा है। हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कुश्ती संघ के चुनाव में जो एफिलिएटेड बॉडीज हैं, राज्य कुश्ती संघ हैं, वो ही WFI के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, हर संघ से 2 प्रतिनिधि। तो जिन 2 प्रतिनिधियों का नाम कोई राज्य कुश्ती संघ भेज देता है वो उसकी वोटर हो जाते हैं, और आज ही मुझे पता चला कि वो जो 2 वोटर्स आते हैं या जो 2 रिप्रेजेंटेटिव एक राज्य से आते हैं वही लोग एग्जीक्यूटिव के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब जो वोटर लिस्ट अब तक बन के आई है और इसमें रिटर्निंग ऑफिसर है एक पूर्व रिटायर्ड जज, तो उन्होंने एक वोटर लिस्ट तैयार की है जिसमें 50 वोटर्स हैं, अर्थात 25 कुश्ती संघों के लोग हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी संघ से नॉमिनेट या किसी संघ का सदस्य होना जरूरी, तो हमारे जो धरनाजीवी गए थे अमित शाह जी से मिलने, तो जो इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा था उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी इनकी कि हमारा हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 28 मई को संसद घेराव वाले, वो सब वापस लिए जाए, हमें नौकरियों पे बहाल किया जाए, हमें अनपसंद पोस्टिंग दी जाए और वो साई जो है हमें टॉप्स की स्कीम के तहत बाहर प्रैक्टिस के लिए भेज दे, वो तमाम बातों के बाद हमें डायरेक्ट एंट्री दी जाए एशियन गेम्स में। और कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई व्यक्ति, उनसे संबंधित कोई व्यक्ति, उनके परिवार का या उनसे सामाजिक रूप से भी संबंधित
कोई भी व्यक्ति कुश्ती संघ में नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि तब किस सामाजिक या राजनीतिक दबाव में या वोट बैंक की किस राजनीति के तहत अमित शाह जी ने इन धरना जीवियों को तथास्तु कह दिया या इनको अजर अमर होने का वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारी हर मांग मंजूर की। और आज तक जो घटनाक्रम हुआ है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि इनकी हर मांग मान ली है भारत सरकार ने या अमित शाह जी ने, आज तक सिद्ध हो गया है क्योंकि जितने भी इनके मांगे थी वो आज तक पूरी हो गई हैं। सिर्फ एक मांग पे अभी निर्णय आना बाकी है कि कुश्ती संघ से ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा के इनके लोगों को बिठा दिया जाएगा। अब इनके लोगों को बिठाने के लिए तो आप सबसे पहले तो वो राज्य किसी राज्य के सदस्य होने चाहिए, तो इनका कोई आदमी किसी राज्य का सदस्य ही नहीं। तो साहब मैं आपको ये खबर बता दूं कि इन्होंने पूरी कोशिश की परंतु ये अपने किसी आदमी का नाम किसी राज्य कुश्ती संघ में डलवा नहीं पाए। फिर उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि अमित शाह जी के ही इंटरफेरेंस के बाद इनके मुख्यतया तीन व्यक्ति जो हैं वो विभिन्न राज्य कुश्ती संघों में उनको घुसाया गया है। एक है मिस्टर पीसी लोचक, रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनको गुजरात से एंट्री दी गई है। एक कोई अनीता मैडम है, उनको उड़ीसा से एंट्री दी गई है। और एक है देवेंद्र जी जो कि शायद मन्नत ढाबा मन्नत हवेली टाइप का जो ये दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे जो ढाबे हैं उनके मालिक हैं, देवेंद्र नाम है उनका, उनको एंट्री दी गई है असम में। तो और इन तीनों लोगों को वो जो 50 लोगों की वोटर लिस्ट है उसमें घुसा दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये दबाव डाल के मतलब हाई कमांड की तरफ से दबाव डाल के इन तीन लोगों को इस लिस्ट में घुसाया गया है। अब साहब अब ये तीनों लोग चुनाव लड़ने के एलिजिबल हो गए, तो यहां पे अब ये एक शंका वाली बात आ जाती है कि आखिर सरकार इन धरना जीवियों की सारी मांगों को इस कदर ऑलमोस्ट इनके सामने लेट के नतमस्तक होके सरेंडर करके क्यों मानती जा रही है। जहां तक उन 50 वोटर्स की बात है, उन 25 कुश्ती संघों की बात है, तो उसमें आज भी बहुमत जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही है। अब इनका नाम चूंकि उस वोटर लिस्ट में नहीं है इसलिए ये तय है कि या इनका इनके पुत्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनकी तरफ से कोई और आदमी चुनाव लड़ेगा। तो अब आगे चुनाव में क्या होता है साहब, ये पिक्चर 7 तारीख तक जाके क्लियर होगी। 1 तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, 2 दिन नामांकन भरे जाएंगे, फिर 2 दिन उन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 2 दिन नाम वापस लिए जाएंगे और 7 तारीख को फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी कि कौन लोग चुनाव मैदान में हैं। तो साहब 7 तारीख तक ये संशय बना हुआ है कि कुश्ती संघ का चुनाव कैसे होगा। अब आ जाते हैं वापस उसी चार्टर ऑफ डिमांड्स पे, मांग पत्र जो ये तीन धरनाजीवी लेके गए थे अमित शाह के पास। और अब तक जैसा कि मैंने बताया है कि अब तक के घटनाक्रम से ये सिद्ध हो रहा है कि सरकार ने इनकी सभी मांगे मानी हैं। अब इसके पीछे कौन सी राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या प्रेशर्स हैं, इस पर कभी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट जो बार बार के इनको चुभ रहा है और जिससे इनकी पूरे देश में किरकिरी हुई है वो वही है, एशियन गेम्स में बिना
ट्रायल लड़े, इनकी एंट्री भेजना, और 53 किलो और 65 किलो भार वर्ग में जिन बच्चों ने ट्रायल दी है उनके साथ जो अन्याय का मामला है वो अभी भी पूरे देश में गूंज रहा है। इन्होंने एक बाकायदा लाइव करके उस पर सफाई देने की कोशिश की, परंतु उस पर ये एक शब्द भी नहीं बोले कि उन्होंने ट्रायल क्यों नहीं दी। वो कहते हैं कि हम ट्रायल से कभी नहीं भागे। अब ये मुझे नहीं पता था वो आप ट्रायल से भागे कि नहीं भागे, पर हमको इतना मालूम है कि जब 22 और 23 तारीख को ट्रायल हुई तो उसमें आप मौजूद नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी, हमको दे दी गई। तो जब आपको बिना मांगे दे दी गई थी तो आपको वैसे ही ठुकरा देनी चाहिए थी जैसे रवि दहिया ने ठुकरा दी या साक्षी मलिक ने ठुकरा दी। आपको भी इस अपमानजनक ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, जो नहीं किया आपने। इसके लिए आपसे देश सवाल पूछेगा और आपको जवाब देने होंगे। उस वीडियो लाइव में इन्होंने तरह तरह की धमकियां भी दी हैं, मुझे सारी जिंदगी जेल में सड़ाने की बातें कही कि इस आदमी को तो सारी जिंदगी जेल में होना चाहिए। तो मैं तब से अब तक यही सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया भैया कि जिसमें विनेश फोगाट जी और बजरंग पूनिया जी मुझे सारी जिंदगी जेल में सड़ा देना चाहते हैं। तो अगर झूठ का पर्दाफाश करना, समाज में झूठ के खिलाफ बोलना, आवाज उठाना, सच के पक्ष में खड़ा होना, सच्चाई की बात करना, फैक्ट्स पे बात करना, और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होना, उनकी आवाज उठाना, अगर इस पे अगर आप मुझे जेल में रख भी दें तो तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे ही बाबा आदमी, वानप्रस्थ आदमी, उबला हुआ खाना खाता हूँ, मुझे तो जेल की दाल भी नहीं परेशान करेगी। तो तब अगर ईश्वर के ने हमारे भाग्य में यही लिखा है कि जेल में रहना है तो जेल में रहेंगे, क्या दिक्कत है। अब जेल जाने तो वो डरते हैं ना जिनको दुनियादारी, जिनको दुनिया का राजपाट संभालना है। हम तो अब साधु संन्यासी अक्कड़ बाबा मोडे हैं। तो सब ये है आज तक का डेवलपमेंट। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 7 तारीख को पिक्चर क्लियर होगी कि कुश्ती संघ में नई टीम किसकी आ रही है। आगे कुश्ती के भाग्य का फैसला अगले 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। 10 तारीख को वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल होती है या नहीं होती है, ज्ञान सेरावत जी ने एक बयान दिया है कि अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हार गई तो इनका नाम एशियन गेम्स से भी कट जाएगा। पर बात वही है ना, वो सिंगल बाउट ट्रायल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लड़के बच्चे 4 बाउट लड़के फाइनल जीते हैं ना, कम से कम 4 बाउट की ट्रायल होगी। एक सेशन में जब 4 कुश्ती लड़नी पड़ेगी तब असली पोल खुलती है पहलवान की, फिट अनफिट का पता तब चलता है कि क्या एक सेशन में 4 कांटे की कुश्ती लड़ने की हिम्मत है कि नहीं है। तो अब ये तो वक्त बताएगा क्या होता है। तो अगले 10-15 दिनों तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं ऊँट किस करवट बैठ रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।